तो क्या तुम लोग पार्टी ऐसे कर रहे थे या तुम लोग पार्टी ऐसे कर रहे थे? तो साला तुम बिल्कुल गलत कर रहे थे। पार्टी कैसे करते हैं आज तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें बताएगी हमारी यूट्यूब पे लगी हुई पुरानी बीमारी ढिंचैक पूजा। तो हाँ गाइज, भवंडर नाम के सदमे से अभी दुनिया उभरी नहीं थी कि ढिंचैक पूजा अपना नया गाना लेके आ गई। खैर उस चीज को गाना सिर्फ ढिंचैक पूजा ही बोलती है, हम रोस्टर्स के लिए तो वो कंटेंट होता है। सो डॉक्टर फ्लेम इन द फ्रेम गाइज, लेट्स गो। अब आईफोन लेने के लिए किडनी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आप लोगों को डिप्रेशन में जाने के लिए किसी सदमे की जरूरत नहीं है, बस यूट्यूब खोलो, वहां पर ढिंचैक पूजा के गाने सर्च करो और आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे और शायद इस दुनिया से भी। सबसे पहली बात, पूजा मैडम गाना शुरू करके अपना ही गाना भूल गई। एक बात को इतनी बार रिपीट करी है, इतनी बार रिपीट करी है कि जैसे अपनी लाइन भूल गई होगी मैंने आगे क्या गाना है। और यार ये म्यूजिक किसने बनाया है? ऐसा लग रहा है किसी जिम का वर्कआउट मोटिवेशनल म्यूजिक उठाया हो और उसी पे पूजा मैडम का गाना लाके चिपका दिया हो। इस गाने के लिए इसको स्पेशल स्पॉन्सरशिप मिली है और इसके व्यूअर्स भी लाखों में और सब्सक्राइबर्स भी, फिर भी इसका इतना बजट नहीं है कि ये जिनको दिहाड़ी पे लेके आइए उनको असली में कोक पिला दे। दारू के नाम पे टेबल पे एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है वो भी आधी। यार यूट्यूबर इतने गरीब हो जाते हैं। यार मुझे तो सबसे ज्यादा तरस इन दो बॉडीगार्ड्स पे आ रहा है, इनकी हालत पता है कैसी लग रही है, जैसे दो अच्छे खासे इंसानों को पागलों को बीच में जाके पटक दिया हो और वो बेचारे अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते कि हम कहाँ आ गए। यार ये जो स्काई ब्लू शर्ट में लड़का है ना, मुझे लगता है पैदा ही ऑफिस में हुआ था और ये आज तक ऑफिस में ही था और इसको छुट्टी आज मिली है, इसको फर्क नहीं पड़ता गाना कैसा बज रहा है क्या बज रहा है, ये बंदा जनरेटर की आवाज में नाचते, मेरे को तो ये कैरेक्टर लग रहा है इसका। यार एक तो ये जितनी बार बोल रही है ना, जब भी पार्टी में मैं जाऊं, जब भी पार्टी में मैं जाऊं, मेरे अंदर से मेरी आत्मा चीख चीख के मुझे कह रही है तू छत पे जा और वहां से कूद जा। यार मुझे आज लग रहा है ढिंचैक पूजा से अच्छा काम टिकटॉक वाले करते हैं, वो बेचारे कम से कम दूसरों के गानों पे अच्छे से लिपसिंग तो कर ले रहे हैं, ये तो खुद के गानों पे भी लिपसिंग नहीं कर पा रही यार। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ढंग के क्राउड का तो पता नहीं पर जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना क्लब में फाइट जरूर होगी। पूजा मैडम पहले तो मेरे को आप ये बता दो, ये आप इन लोगों को कहां से उठा के लेके आए हो, ये कैसे इतनी खतरनाक चीज पे एंजॉय कर सकते हैं यार। बॉडीगार्ड होने चाहिए, मसल हार्ड होने चाहिए। और हाँ आपने एक चीज तो सही बोली कि बॉडीगार्ड होने चाहिए, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं ना तुम्हारे साथ तो 24 घंटे बॉडीगार्ड होने चाहिए, पता नहीं पब्लिक कब मार दे तुम्हें। तो बस यार मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं सोच रहा था इस गाने को अच्छे से रोस्ट कर दूंगा, बहुत कुछ निकल जाएगा इस गाने में से, बट मैं इसको सीरियसली बता रहा हूँ, सुन सुन के इतना इरिटेट हो गया कि इन लोगों के पास इतना अच्छा फेम है और इसको ये यूज़ नहीं कर पा रहे, और एक हम जैसे क्रिएटर है जो बेचारे टैलेंट होने के बाद भी बहुत पीछे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी रोस्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। पीस आउट।